खुलेआम धमकी देने वाले अमृतपाल मामले पर कांग्रेस सांसद बोले, मुझे साजिश की बू आ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कटघरे में लेते हुए क्या कुछ कहा। वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश आज तीसरे दिन भी पुलिस लगातार कर रही है। अमृतपाल के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कटघरे में लिया है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो खुलेआम धमकी देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, मुझे तो इसमें साजिश की बू आ रही है। इससे पहले खालिस्तानी संगठन के एक वकील ने दावा कर कहा था कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अमृतपाल का फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अमृतपाल अभी फरार है और उसे गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। वहीं रविवार देर रात अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये दोनों मर्सिडीज कार में पुलिस के सामने पहुंचे, जिसे जब्त कर लिया है। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल जलंधर में छिपा बैठा है। पुलिस ने जिले के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर दी है। इसी के साथ अमृतपाल के गांव में भी नाकाबंदी की गई है। वहीं राज्य की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को पहले रविवार तो फिर 12 बजे तक बंद किया गया था, जिसे अब 20 और 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब प्रदेश में 20 और 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करने का ये फैसला पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज़।